प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम हम पोएम कैटरपिलर की कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं आज हम उसमें करेंगे हनी बी अमेजिंग फैक्ट्स हनी बी के मुतालिकरान मालूम हनी बीज आर सुपर इम्पोर्टेंट पोलिनेटर्स फॉर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिस मीन्स दैट दे हेल्प अदर प्लांट्स ग्रो बीज ट्रांसफ़र पोलन बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्ट्स अलाउइंग प्लांट्स टू ग्रो सीड्स एंड फ्रूट हनी बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है एज अ पोलिनेटर क्योंकि ये फूल फल और सब्जियों के लिए पोलन ट्रांसफ़र करते हैं मेल और आ, फीमेल पार्ट्स के दरमियान और उसकी वजह से जो हैं वो सीड्स बनते हैं बीज बनते हैं और फ्रूट पैदा होता है पोलिनेशन क्या है पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ऑफ पोलन फ्रॉम अ मेल पार्ट अ प्लांट टू अ फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट लेटर एनेबलिंग फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स मोस्ट ऑफन बाय एन एनिमल आर बाय विंड दुनिया में जो पोलिनेशन uh, का काम है वो हनी भी करती है टू थर्ड प्लांट्स में इसमें हनी बी के पाओ के ऊपर और उसके परों के साथ जो है वो पोलन लग जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल तक वो ट्रांसफर होते हैं इसको पोलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं हनी बी लिव्स इन हाइव्स और कॉलोनीज हनी बी जो है वो कॉलोनीज या हाइव्स में रहती है और उर्दू में उसे छत्ता कहते हैं इन अ लार्ज हाइव देयर कैन बी अपू फिफ्टी थाउजेंड बीज एक बड़े छत्ते में पचास हजार तक शहद की मक्खियां आप देख रहे हैं कि इनके साइडें होती हैं। हेक्सा कहते हैं छह साइड्स को यानी ये इस तरह से हनी बी का जो है वो अपना घर इस तरह से बनाती हैं कि इसके छह साइड्स होती हैं। इसको हेक्सागोनल कहते हैं हनी बीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी इन द कॉलोनी जो मक्खियाँ हैं उनकी मुख्तफ अकसाम होती हैं एक कॉलोनी uh, में जैसे क्वीन जो है हु इज़ लार्जर दैन देश द एग्स क्वीन सबसे बड़ी होती है और इसका काम सिर्फ अंडे देना होता है द क्वीन कैन लिव अप टू फाइव ईयर्स क्वीन जो है वह पाँच साल तक जिंदा रहती है और ये तकरीबन समर मंथस में गर्मी के महीनों में Uh, 2500 थाउजेंड डे ले करती है 2500 अंडे एक दिन में देती है तो ये एक जो इनका हनी भी हाई होता है उसका एक सेल होता है जिसमें क्वीन अंडा देती है फिर जो वर्कर है वो uh, अंडे को जो है वो लार्वा जब बन जाता है तो उसको खुराक जो है वो वर्कर बीज uh, देती हैं और फिर जब वो लार्वा जो है फुल लेंथ तक पहुंच जाता है तो वो उसके सेल को सील कर देती हैं और फिर उस लार्वा में से एक प्यूपा निकलता है और फिर उसको प्यूपा जो है वो एक एडल्ट हनी बी में बन जाता है जिसके पार होते हैं और वो बाहर निकलता है द वर्कर बीज फीमेल बट दे डोंट ले वर्कर बीज जो होती है वो फीमेल होती है लेकिन ये अंडे नहीं देती इनका काम लार्वों की को पालना और जो है वो शहद बनाना होता है आपको छत्ते के बाहर जितनी मक्खियां नजर आती हैं वो सारी फीमेल वर्कर्स होती हैं। फिर है तीसरी टाइप के हैं ड्रोन इनको कहते हैं मेल होते हैं हु मेट विद द क्वीन एंड मेक द ये छत्ता बनाते हैं और क्वीन के साथ मेटिंग करके क्वीन को इस काबल बनाते हैं कि वो अंडे दे सके मोस्ट फेमस फॉर डिलीशियस हनी ये मशहूर क्यों है क्योंकि ये बहुत uh, मज़ेदार किस्म की हनी या शहद बनाती हैं कुरान में आता है कि देयर इमरजेस फ्राम देर वैलीज आर ड्रिंक वेयरिंग इन कलर इन विच देयर इज हीलिंग फॉर पीपल इन डीट इन दैट इज अन फॉर आ पीपल हु गिव था मजीद में आए नंबर सिक्सटी नाइन कुरान मजीद की सोलह नंबर सूरत है सुरह नहल उसमें आता है कि अल्लाह इनके पेट में से एक मशरूब निकालता है जिसको शहद कहते हैं और इसमें लोगों के लिए शफ़ा है और ये अल्लाह का एक निशान है उन लोगों के लिए जो सोच रखते हैं फिर कुरान मजीद में आता है कुल्ल अम शिफा वो लोग जो ईमान लाए हैं कुरान उनके लिए हदायत और शफा है तो प्यारे बच्चों अगर आप कुरान से शिफा हासिल करना चाहते हैं तो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े इंशाल्लाह आपको इस दुनिया में भी कामयाबी हो, हासिल होगी और आखिरत की भी फिर जो है क्वीन बी जो है अगर वो मर जाए इफ द क्वीन बी डाइज वर्कर विल क्रिएट अ न्यू क्वीन बाय सेलेक्टिंग अ यंग लावा द न्यूली हैच्ड बेबी इंसेक्ट एंड फीडिंग इट अ स्पेशल फूड कॉल्ड रॉयल जेली दिस इनेबल्स द लावा टू डेवलप इनटू अ फर्टाइल क्वीन क्वीन सबसे बड़ी होती है और उसका काम जो है अंडे देना होता है अगर पहली क्वीन मर जाए तो एक जो लार्वा होता है उसको चुन लिया जाता है उसे स्पेशल खुराक दी जाती है और फिर वो नई बन जाती है। hmm. हनी एट फ्लाइट, फ्लाइट, फ्लाइट अ स्पीड ऑफ अराउंड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर एंड बीट देयर विंग्स टू हंड्रेड टाइम्स पर सेकेंड इसीलिए आपको इनके पर नजर ही नहीं आते ही, इतनी तेजी से यानी एक सेकेंड में दो सौ दफा अपने पर को जो है वो हलाती हैं और 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार इनकी स्पीड है इन साइड फाइंड द बेस्ट फूड छत्ते के अंदर वर्कर बी जो है अगर उसे पता चले कि कहीं uh, फूल है खुराक है तो वो एक स्पेशल डांस uh, करती है जिससे बाकी मखिया समझ जाती हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है खुराक हासिल करने के लिए हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट यूजिंग देयर ट्यूब शेप्ड माउथ इसका इनका मुंह ट्यूब की तरह बना होता है जिससे ये फूलों का रस चूसती हैं जिससे फिर ये हनी जो है या शहद बनता है हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव्स ये जो है हनी को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो गर ताकि सर्दियों में इसको इस्तेमाल कर सकें तो फिर इनके छत्ते से जो इन हनी जो है इस तरह से ए, हासिल की जाती है प्यारे बच्चों है आपको सबक पसंद आया होगा को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें